स्टूडेंट्स, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों से विचलन, जिसमें हमने देखा था अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुप्रभाविता। आज हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है घातक जीन। घातक जीन नाम से थोड़ा आपको स्पष्ट हो रहा है कि घातक यानी कुछ हानिकारक, जानलेवा सी बात हो रही है कि कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो जीवों की जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं, जीवन क्षमता को। तो उससे क्या है कि अगर वो जीन एक्टिव हो जाता है तो उस जीव की क्या है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, घातक जीन। जैसे ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों पर कि चूहों की जो लोम चर्म या त्वचा है उसके बाद की गई कि उसमें पीला और भूरा दो रंग देखे गए। इनका जीन है कैपिटल वाई और ये है स्मॉल। तो हम देखते हैं कि ये समयुग्मजी अवस्था में जब ये जीन होता है उस समय इसमें इसकी जीवन क्षमता को भी यहाँ एक जीन है वो प्रभावित करता है। तो यहाँ युग्मक क्या बनेंगे, वाई और यहाँ स्मॉल वाई। तो हमारे पास ये विषम युग्मजी पीले लोमचर्म के जो येलो पीले चूहे हैं इनका जीवन यानी ये जीवित लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन जब इन चूहों का देखा जाए, जैसे आगे ये तो हमारे पास क्या प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी का तो रेशो यही आएगा। लेकिन जब हमने ये F2 पीढ़ी प्राप्त की, आपने करवाई थी, पहले भी टेस्ट करवाए हैं, हम यहाँ इस प्रकार टेस्ट करवाएंगे, दो युग्मक बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, ये ऐसा आएगा अनुपात। तो इसमें हमारे पास जो रेशो है लक्षण अनुपात वो क्या रहता है, केवल 2:1। इसका क्या कारण है कि इसके जो समयुग्मजी अवस्था में जो वाई पीले लोमचर्म के चूहे हैं इनकी जीवन क्षमता को यहाँ एक जीन प्रभावित करता है जिससे इन चूहों की यहाँ मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, घातक जीन या लेथिल जीन। तो यहाँ लक्षण अनुपात क्या रहेगा, 1:2:1 की बजाय क्या रहता है, 2:1। इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सी नियम से विचलन है, ये घातक जीन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एक और परिभाषा है यहाँ, बहुजीनी। अब तक हमने पढ़ा कि एक जीन एक लक्षण को प्रभावित करता है या स्पेसिफिक एक लक्षण के लिए एक जीन होता है। ऐसा क्यों देखा हमने, क्योंकि मेंडल ने जो प्रयोग किए उसमें उन्होंने ऐसे ही सिलेक्टेड 7 लक्षण लिए, विप्रयासी लक्षण, जिनका एक जीन पर वो एक ही लक्षण प्रभावी हो रहा था या अप्रभावी हो रहा था। लेकिन एक ऐसी भी परिभाषा है कि बहुजीनी का मतलब है कि एक लक्षण को ही बहुत से जीन प्रभावित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें मनुष्य में कि मनुष्य की जो त्वचा का रंग है वो कालेपन से लेकर जो गोरेपन तक एवरेज है उसमें उसको प्रभावित करने वाले बहुत से जीन होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बहुजीनी। तो एक जीन एक लक्षण को प्रभावित करे तो एक जीनी, लेकिन जब एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है या प्रभावित कर रहा है तो ऐसी डेफिनेशन क्या कहलाती है, ये बहुजीनी। लगा ये हमारा लास्ट टॉपिक, गुण सूत्र और लिंग निर्धारण। स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप्स। देखे हैं हमने कि प्रोकैरियोटिक है इसमें केंद्रक सुव्यवस्थित सुसंगठित या विकसित नहीं होता है, यानी उसमें डीएनए आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में और बहुत ही अविकसित रूप में होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें केंद्रक सुव्यवस्थित सुसंगठित विकसित और उसमें डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं और उसी केंद्रक में एक धागे के समान संरचना पाई जाती है। केंद्रक में क्या पाई जाती है, धागे के समान संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र हैं इन्हीं के आधार पर ही आगे
लिंग का निर्धारण भी होता है और इन्हीं के माध्यम से ही माता पिता से उनकी संतति में जीन या आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जैसे हम देखते हैं मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। उसमें डिवाइड होता है कि इसमें 44 गुणसूत्र हैं, वो क्या होते हैं? अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, या इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स, अलिंग गुणसूत्र। और 2 गुणसूत्र हैं, वो कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र, या इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये 2 गुणसूत्र है, ये ही मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं कि जनक या माता पिता की संतान है वो बेटी है या बेटा है। तो इसमें आपको भी ये बताते हैं इसमें किस प्रकार ये इसका जो चेकर बोर्ड है वो बनता है। तो पहले तो आप यही ध्यान रखिए कि मनुष्य है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, या कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 23 जोड़े। तो 23 जोड़े हैं तो इनमें कितने हो गए? ये 46 गुणसूत्र, जिनमें से 22 जोड़े तो कैसे होंगे? अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स, और एक जोड़ा कैसा होगा? एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। अब इसमें यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि आप मनुष्य में लिंग निर्धारण को विस्तृत विस्तार से या चेकर बोर्ड के द्वारा समझाइए। तो आगे मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा। हम यहाँ देखते हैं, चौवालीस अलिंग गुणसूत्र प्लस ये 45 और ये 46, ये 44 अलिंग गुणसूत्र, ये 45 और ये 46। आप ये ध्यान रखिए जो लिंग गुणसूत्र है वो मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। इन गुणसूत्रों के आपस में साइज में और संरचना में भी डिफरेंस होता है। अब यहाँ से जब हम युग्मक बनाएंगे तो क्या बनेगा? 22 प्लस एक्स, यहाँ दूसरा क्या बनेगा? 22 प्लस वाई, 44 का हाफ क्या होगा? 22। इसी प्रकार यहाँ क्या बनेंगे? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, बन गए ये युग्मक। या इन्हें हम मेल की जब बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? शुक्राणु या स्पर्म, इन्हें फीमेल में बोला जाता है अंडाणु या एग। ये युग्मक है, इनमें जब आपस में क्रॉस होगा, संकरण होगा, तो ये देखिए अपने पास यहाँ 44 प्लस एक्स एक्स। फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई। आप चेक करो टोटल इनकी जो इस जनक या पेरेंट की जो संतान है इनमें क्या क्या संभावनाएं हैं। चार देखिए टोटल, पहले गुणसूत्र चेक कीजिए, यहाँ 44 और 2 46 है, यहाँ भी 46 46 46 और 46। अब एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, ये होता है लड़की, और एक्स वाई अगर गुणसूत्र है तो क्या होता है? तो ये संतान क्या होगी? पुत्री। ये संतान क्या होगा? पुत्र। और ये संतान क्या होगी? पुत्री। और ये संतान भी क्या होगी? यानी टोटल 100 में से 50% पुत्र और 50% क्या होता है? ये है हमारा टॉपिक मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो अगर इस पर इस प्रकार से आपसे अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस प्रकार पूरा बताएंगे, छोटे अगर केवल गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो केवल गुणसूत्र बताएंगे। तो ये मेंडल का जो लेसन है आनुवंशिकता के नियम, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ इस लेसन के लिए
आनुवंशिकता, वंशागति, इनकी परिभाषाएं देखनी है। फिर वो शब्दावली आप याद कीजिए जिसमें समयुगम जी, विषमयुगम जी, प्रभावी, अप्रभावी, एक संकर, द्विसंकर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक संकर संकर अनु संकरण का लक्षण अनुपात, द्विसंकर संकरण का लक्षण अनुपात। तो द्विसंकर संकरण में हमने कौन सा नियम देखा था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो लक्षण अनुपात क्या आएगा हमारे पास? 9:3:3:1। इसी प्रकार यहाँ से परिभाषाएं कि सहप्रभाविता को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, अपूर्ण प्रभाविता को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, या सीधा पूछे कि मेंडल के नियमों से विचरण को दर्शाता हुआ कोई एक प्रयोग या कोई एक उदाहरण बताइए। तो आप उसमें से कोई भी यहाँ से नियम ले सकते हैं। बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुजीनी दे सकते हैं, घातक जीन के बारे में बता सकते हैं, सहप्रभाविता के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जिसका जहाँ एग्जाम्पल है वो आपको पर्टिकुलर नाम पता होना चाहिए और एग्जाम्पल आना चाहिए। तो आप इस लेसन के आज आगे क्वेश्चन आंसर करके देख लें। थैंक यू।